कोरोना वायरस की शुरुआत के करीब 18 महीनों बाद सऊदी अरब में अब हालात पहले जैसे होते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 मामलों में भारी गिरावट और देश के उच्च टीकाकरण दर के चलते रविवार 17 अक्टूबर से किंगडम में लागू कई प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे। हालांकि नई छूट सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो पूरी तरह से वैक्सीन लगवा चुके हैं। देश की कुल आबादी 34.8 मिलियन लोगों में से 20.6 मिलियन लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि कुछ विशेष जगहों को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों पर अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। इसमें मक्का की ग्रैंड मस्जिद और मदीना में पैगंबर की मस्जिद शामिल है, जहां आने वाले सभी लोगों और मस्जिद स्टाफ का मास्क पहनना अनिवार्य है। दोनों मस्जिदें पूरी क्षमता के साथ खोल दी गई हैं, लेकिन मंत्रालय की स्वास्थ्य ऐप्स के माध्यम से ही यहां आया जा सकता है। सार्वजनिक स्थलों जैसे परिवहन, रेस्तरां, सिनेमा इत्यादि और सामाजिक समारोह में अब सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। मैरिज हॉल्स भी पूरी क्षमता के साथ दोबारा खोल दिए गए हैं। हालांकि कई तरह की सावधानियों का पालन जारी रहेगा, जैसे तापमान की जांच और ऐप पर हेल्थ स्टेटस अपडेट। सरकारी और निजी संस्थानों को व्यापक स्तर पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। जिन जगहों पर ऐप से हेल्थ स्टेटस की जांच नहीं की जा सकती, वहां सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कोरोना वायरस के चलते अस्पताल या ICU में भर्ती होने वाले मामलों की निगरानी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर प्रतिबंधों को हटाने के बाद खतरे का स्तर बढ़ता है, तो शहरों या क्षेत्र में हेल्थ गाइडलाइंस एक बार फिर से लागू की जा सकती है।